भावना नहीं होगी। हम लोग बड़े प्यार से और शांतिपूर्वक ढंग से विधानसभा के कार्यक्रमों को संचालित करेंगे, ऐसा लोगों का कहना भी है और ऐसा मानते भी हैं। बात शुरू करें। हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में किसान को पहली प्राथमिकता में रखा और उनको समृद्ध बनाने के लिए अनेक योजनाएं भी दी, उनके मेहनत का दाम भी दिया। मगर नई सरकार के बनते ही हम लोग सुन रहे हैं कि आत्महत्याएं होने लगी, और वो भी आदिवासी बाहुल्य बस्तर में। वो हम सबके लिए दुखद है। और उसी तरीके से नक्सली हमला भी बढ़ गए हैं चुनाव के रिजल्ट आते ही। इनके कारण क्या हो सकते हैं अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आज हम आपके साथ पहली बार मिल रहे हैं। और जैसा कि सुना है कि जिनकी मृत्यु हुई है उन पर कर्ज था और कर्ज उगाही के लिए गए थे। तो हम तो यही कहेंगे कि पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी की घोषणा में हम लोगों ने लगभग 5 साल में 1 लाख करोड़ की छूट देने या उनको फायदा करने का वचन दिया था, मगर उनको हमारी घोषणा पर विश्वास नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पर उन्होंने विश्वास किया। और इस तरह से जो परिणाम आएंगे, मैं नहीं कहता कि आएंगे ही, मगर ऐसा लगता है कि जो परिणाम आएंगे वो दुखद होंगे, अच्छे नहीं होंगे। और कल माननीय रमन सिंह जी अध्यक्ष हो जाएंगे, आज हम लोगों ने प्रोटेम स्पीकर का शपथ दिला दिया है और परसों से विधानसभा में विधायकों की शपथ जारी होगी। और हम सब लोगों के बीच एक नया अवसर आएगा कि हम और बेहतर ढंग से अपनी सभी सेवाओं को कर सकें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में गारंटी दी थी कि 21 क्विंटल हम धान खरीदेंगे और 3200 रुपये में खरीदेंगे, मगर पहली जब बैठक हुई थी इन दोनों का कोई जिक्र उसमें नहीं था। कारण क्या है मैं नहीं जानता, वो आप भी शायद नहीं जानते होंगे। दूसरी बात, महतारी वंदना योजना उन्होंने जो लागू किया था महिलाओं के लिए, उस महतारी वंदना का कोई जिक्र पहले मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं आया। किन कारणों से नहीं आया? सिर्फ एकमात्र यही कारण बताया गया कि 18 लाख हम भूमिहीनों को आवास देंगे और बाकी किसी भी तरह से कोई नई योजनाओं को उन्हें शुरू करने का, प्रारंभ करने का या आने वाले दिनों में तारीख बताने की जरूरत नहीं समझी। अटल बिहारी जी का जन्मदिवस पर 25 तारीख को उन्होंने घोषणा की थी, वो भी देंगे नहीं देंगे और उनके पास वो सूची है कि नहीं 15-16 लाख 17 लाख किसानों का, ये एक आश्चर्य का विषय है। और अभी उनका तो मंत्रिमंडल ही नहीं बन पाया है, कुछ कह रहे हैं कि 25 के पहले बनाएंगे, कुछ कह रहे हैं 25 के बाद बनाएंगे। तो अभी मैं ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हुए यही कहूँगा कि हम एक सकारात्मक भूमिका में रहेंगे। जिस तरह विपक्ष एक रचनात्मक भूमिका में सहयोग देना चाहिए, वैसा पूरा सहयोग हम देंगे, मगर जहाँ कहीं भी छत्तीसगढ़ के अहित की बात होगी, हमारे किसानों के अहित की बात होगी, हमारे नौजवानों के हित की बात होगी, हमारे आदिवासियों के हित की बात होगी, तो वो समय होगा जब हम पूरे ताकत के साथ आगे लड़ेंगे। पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी शक्ति के साथ, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप सब ने यहाँ आकर मुझसे बात करने का जो प्रयास किया है,
उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। चूँकि अब तो विपक्षी नेता होने के कारण आपकी हमारी रोज मुलाकातें होंगी, भेंट मुलाकातें होंगी और दो दो बातें भी होंगी, तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। सर, अभी जो है मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं नक्सल घटनाओं को लेकर जी, और अब तक जो नक्सल अटैक हुए वो तमाम जो घटनाएं हुई उसको लेकर समीक्षा कर रहे हैं, तो अभी ये बैठक इतनी जरूरी मानते हैं? इससे पहले भी घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है, जब से भाजपा शासनकाल आया तब से। देखिए, भाजपा शासनकाल जब से आए तब से घटनाएं बढ़ रही, मगर आज मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री जी कुछ समीक्षा बैठक कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो माननीय प्रोटेम स्पीकर के शपथ में थे और सीधा दो वहाँ कह रहे थे कि हम मंत्रिमंडल की बैठक करने जाएंगे। यहाँ हो जाना चाहिए, उस गरीब के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। हम लोग तो सोचेंगे ही विपक्ष होने के नाते, मगर सरकार को जो सोचना चाहिए, जो उनकी जवाबदारी प्राथमिक बनती है, वो अभी पूरा करने के मूड में नहीं है। बड़ा आपाधापी है ऐसा मैं सुन रहा हूँ, लोगों में निराशा है ये भी सुनने में आ रही है, और हमारे वरिष्ठ जन भी चुप चुप से दिख रहे हैं। तो आने वाला छत्तीसगढ़ के लिए, इस सरकार के लिए ये चिंता का विषय है। देखिए, केंद्र सरकार का तो सहयोग रहता ही है, मगर इनने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि केंद्र सरकार के योजना अंतर्गत और हमारी सहयोग से पहली कक्षा से आठवीं कक्षा के बच्चों को नाश्ता देंगे। अब सरकार बने 10 दिन हो गए क्या? 10 दिन से अभी नाश्ता नहीं मिला है, और पिछले कुछ सालों का जो बच्चों का ही मिड डे मील है उसका लगभग 300 करोड़ रुपया अभी केंद्र सरकार से आया नहीं है, ऐसा मुझे पता लगा। तो जब अभी बच्चों की चिंता उनने शुरू नहीं किया है, मिड डे मील की चिंता नहीं है जो पूरी तरह केंद्र सरकार पर आधारित है, तो नक्सल पर क्या चिंता करेंगे, ये सोचनी है। आपने कहा सर कि लोगों ने भाजपा की घोषणाओं पर विश्वास किया, हमारे घोषणाओं पर विश्वास नहीं किया। दूसरी तरफ आप दावा कर रहे हैं कि आपकी योजनाएं बेहतर रही, लोगों को लाभ मिला, तो क्या मंथन हुआ है कांग्रेस में कि लोगों ने क्यों भरोसा नहीं किया, जबकि आपने योजनाएं अच्छी चलाई, घोषणा पत्र आपका प्रभावी रहा था? फिर देखिए, एक मंथन तो अभी दिल्ली में हुआ है हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ और हाई कमान के साथ, और वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ समय कम होता है। हम लोग अभी प्रदेश स्तर पर समीक्षा भी करेंगे प्रत्येक विधायकों के साथ, और मैं तो चाहूँगा कि हम ब्लॉक स्तर पर भी समीक्षा करें कि ऐसे कैसे हुआ कि उसी तरीके से हमारे धान का जो एरिया है जांजगीर, वहाँ हम आठों की आठों सीट जीत रहे हैं, और थोड़ा ऊपर गए उत्तर छत्तीसगढ़ में तो लगातार 14 सीटें हार रहे हैं, रायगढ़ में फिर जीत रहे हैं, दुर्ग में कुछ जीते कुछ हारे, बस्तर में भी हार हमारी पहुंच गई। तो ये जो अलग अलग खंडों में जो अलग अलग ढंग से परिणाम आए हैं उसकी चिंता हम सबको है, हम लोग समीक्षा करेंगे। अब हार गए ये तो सही है, मगर हराए गए में कुछ अभी ये संभव नहीं है कह पाना कि क्यों हराए गए, क्यों हार गए, इसकी चिंता हो सकती है। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री उसमें, लास्ट 5 साल बीजेपी जब निश्चित रूप से हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे ही, और क्यों हारे पर ही चिंता होगी, क्योंकि ऐसा था नहीं कि हमारे इतने बड़े बड़े मिनिस्टर हार जाएं। एक आध के प्रति शंका हो सकती थी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथी थे, हम लोग बैठ के चिंता कर रहे थे कि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये मंत्री हमारे हारेंगे, सबके सब मंत्री हार गए। और जहाँ तक मैं अगर उदाहरण दूँ कि राम मंदिर, तो वो जय सिंह ने राम मंदिर भी बनाया, पूरे बाल बच्चों सहित वही रहता है, गरीबों के साथ खड़ा रहता है, लाठी लेके भी खड़ा रहता है, ऐसा आदमी हार गया। तो वो एक समझ से परे है कि ऐसे जहाँ राम मंदिर भी है, पूरा पूजा पाठ भी हो रहा है, हिंदुत्व भी है, वहाँ हार रहे हैं। बाकी जगह ऐसा क्या हुआ कि पूरा साफ हो गया? रायपुरी अच्छा बनाया, हाँ
चंदखोरी इनका क्षेत्र है शिव डहरिया जी का, कौशल्या माता है, अब वही नाराज हो गई। तो ये सब समझ से परे है ना, हमारा रामगमन पर जहाँ से शुरू हुआ है कोरिया जिले के, कोरिया जिला से साफ हो गया। तो परिणाम पर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं जो आप लोगों के सामने बाद में आए गए। सर ये आदिवासी सीटें ये सरगुजा और बस्तर जो है सत्ता की चाबी माना जाता है, 2018 में जो है पूरी तरह विश्वास जो है आदिवासी सीटों से कांग्रेस की तरफ था, और अभी जो है पूरा जो है विश्वास देखने में नहीं आया, उधर पूरी 14 सीटें चली गई और इधर जो है 8 चली गई, तो क्या आदिवासियों का विश्वास कुछ पार्टी के प्रति कम हो गया या बिल्कुल खत्म हो गया? आदिवासियों का विश्वास तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के प्रति हमेशा से है और हमेशा के साथ आने वाले समय में भी रहेगा। ये जो भ्रम भाजपा चिंता नहीं करती आदिवासियों की, समय का अवसर का लाभ लेके बरगलाना बहकाना, क्योंकि आदिवासी लगभग सीधे साधे होते हैं और हर बात में विश्वास कर लेते हैं उनके, तो उनको भरमाने का काम हुआ है, उनके लाभ देने की बात नहीं हुई। सर आप राम की बात कर रहे हैं, वन दमन को लेकर बोल रहे हैं, अभी भाजपा और जो हिंदू विचार परिवार के लोग एक अभियान चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या के लिए आमंत्रण दे रहे हैं, राम मंदिर से आज इसकी शुरुआत हो रही है, और घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने कहा था कि पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को दर्शन कराएं अयोध्या का, तो इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए भैया, राम तो हम सबके हैं, ऐसा तो कोई है नहीं जिस जो ये कहे कि हमारा राम नहीं है, मगर राम का भावनात्मक दुरुपयोग कैसे किया जाना है ये हम लोग नहीं सोचते कभी भी। ये भारतीय जनता पार्टी सोचती है और भावनात्मक रूप से राम को भी वो चुनाव का एक मशीन बना लेती है, ये कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं सोचा। ये लगातार चुनाव किस वक्त ये कहा जा रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, क्या ध्रुवीकरण की राजनीति के चपेट में आए कांग्रेस? तो यहाँ परिस्थितियाँ कभी बनी नहीं। अभी रायपुर जिले के और अकबर जी के हार के बाद कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ है क्या, उसका अभी तक हम लोग निर्णय नहीं कर पाए हैं, बात नहीं हो पाई। सर कांग्रेस में बहुत सारे बगावत की स्थिति दिख रही है, अंदर कलह जो मचा हुआ है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक की लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी हो रही, कोई ऐसा नेता नहीं बचा है, केवल आप ही शायद बचे हैं, बाकी कोई नहीं बचा है, शैलजा पे, चंदन यादव पे, भूपेश बघेल पे, टीएस सिंहदेव पे, तो अब इसको कैसे एकजुट करेंगे आप? अब उन सब लोगों को बुलाएंगे, सुनेंगे, कारण जानेंगे और नाराजगी का भी कारण जानेंगे। जहाँ तक टिकट काटने की बात है, वो हाई कमान के निर्देशों पर, उनके अनुशंसा पर हुई है, कोई ज़बरदस्ती टिकट किसी के द्वारा काटी नहीं गई है। एक सर्वे हुआ था, दो सर्वे हुआ, तीन सर्वे हुआ, चार सर्वे हुआ, और उसमें जितने ऐसे आए कि भाई यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, उनको बदलने की कोशिश हुई, और दुर्भाग्य है कि जिनको हमने बदला वो भी बहुत सारे लोग जीत नहीं पाए उस सीट से। तो ये थोड़ा सा लोगों में विचारणीय बिंदु है और उसको लेके तरह तरह की बातें हो रही हैं, मगर इन सब को एक करके, समेट करके, साथ ले करके चलने की ज़रूरत है। आने वाले 3 महीने बाद हमारे लोकसभा है, तो हम लोग कांग्रेस पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर फिर चुनाव लड़ेगी, हम सब लोग कमर कस के तैयार होंगे। सर लेकिन वेणुगोपाल कह रहे हैं, जो जीतने जत्था गया है वो कह रहे हैं कि वेणुगोपाल ने ही कहा है कि आप लोगों ने जो है जो सर्वे होना था एआईसीसी की ओर से जो एजेंसी भेजी गई थी उस लोगों को आपने रुकवा दिया। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मगर एआईसीसी का प्रथम सर्वे भी हुआ था जिसमें आप भी बैठे थे, आप लोग भी बैठे थे, उनका सर्वे भी देखा गया। दूसरी बार कौन सा सर्वे हुआ ये हम लोगों के जानकारी में नहीं है, मगर चार चार सर्वे हमारे सामने आए, कोर कमेटी ने भी देखा, हमारे सब सीनियर लीडर ने भी देखा, और लगभग सबका एक मत रहा कि सर्वे के अनुसार टिकट दिया जाए। अब जो जैसा निर्णय आया उस वो हमारे समझ से परे। सर एक लास्ट सवाल था, आपके लोकसभा को भी देखे अगर, तो
तो आपके ही सहयोग है कहें कि तीन विधायक, एक निष्कासित है, एक इस्तीफा दे दिए हैं और एक अभी नोटिस पीरियड में है, जयसिंह अग्रवाल, मनेंद्र सिंह विनय जायसवाल और मोहित केरकेट का, तो आप अपने लोकसभा को कैसे संभालेंगे? अभी तो बेचारे दुखी हैं रिजल्ट से, हो सकता है एक दो दिन और लगे उनको ठीक होने में। तो सर ये किससे दुखी हैं, कौन से लीडर से दुखी हैं? लीडर से नहीं, वहीं अपने आप के मित्रों से ही दुखी हैं, क्योंकि मित्रों का सहयोग और असहयोग की बात हो रही है। लीडर वहाँ कहीं किसी को हराने नहीं गया था, वहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच ही कोई ऐसा वातावरण बना है जिसका रिजल्ट ठीक नहीं आया। मित्रभेद हो गया, मित्रभेद। सर एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिखरते कुत्ते को मैं संभालूंगा, लगातार सबको मनाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी एक और निष्कासन की प्रक्रिया कर रही है, ऐसे दिखे विधायक को जिनको निष्कासित करें, कैसे में कैसे एकजुट हो पाएंगे? देखिए, जिनकी गलतियां होंगी अगर वो स्वीकार करेंगे कि हमने गलती की, माफी मांगते हैं, तो ऐसे होता है, संभव होता है कि निष्कासन भी समाप्त होता है। और जो कुछ ज़्यादा दुखी है उनको मनाएंगे। कल तो एक विधायक जी ने दिया था इस्तीफा और वापस ले लिए एक घंटे के अंदर, तो ऐसी सोच में अंतर आता है, विचार में अंतर आता है, समय का सवाल है, सब ठीक हो जाएगा, सबको साथ लेके चलेंगे। यही जवाबदारी हमको हमारे हाई कमान ने सौंपी है, वो जवाबदारी पूरी करने की पूरी कोशिश होगी और हम सब लोग मिल के एक नया वातावरण बनाएंगे, कांग्रेस के पक्ष में बनाएंगे और फिर से यहाँ कांग्रेस को लाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोकसभा में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और आने वाले 5 साल बाद फिर से कांग्रेस की सरकार होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। एक लास्ट प्रश्न है, अभी तक आप अध्यक्ष पद पे थे, अभी हम इससे पहले अध्यक्ष पद पे थे, अभी हम नेता पद पे, आगे की क्या रणनीति रहेगी सरकार को लेने की? देखो भैया, मैं इस पक्ष का हूँ कि रणनीति को कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रणनीति के खुलते ही उसके ऊपर दूसरी नीति शुरू हो जाती है, इसलिए रणनीति को तो नहीं बताऊंगा। सर आपने हिंदुत्व को लेकर बात करी थी और तीनों राज्यों में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो एक खास चीज देखने को मिली थी जिसमें अलग से मंच जो है साधु संतों के लिए बनाया गया था, और बीजेपी क्या इस मुद्दे को जो हिंदुत्व का मुद्दा है 2024 के लोकसभा में बुलाएगी, क्या लगता है? सवाल ही इस बात का है कि पूरा साधु संतों के विचार पर तो केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, तो वो तो इस तरह के मुद्दे को भुनाएंगी ही, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उनका हिंदुत्व का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, बाकी को देखते ही नहीं इस मुद्दे से।